जय भीम जय मल्लिवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क की एमएनटी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरक्षण, क्योंकि आज हम देख रहे हैं विषय को उछाला जाता है और बहुत सारी जानकारी जो है वो जानकारी में काफी बार लोग कंफ्यूजन में आते हैं, तो इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच फिर मौजूद है पंकज और अनंत, स्वागत है आप दोनों का। तो पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो आरक्षण है ये असल में क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, क्या इतिहास है, ये आरक्षण चीज क्या है, वो किधर से आई है, उसका जन्मस्थान कहाँ पे है, ये सब प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। इंडिपेंडेंस के पहले जाति व्यवस्था थी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी इन लोगों को, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जिसको हम लोग कहेंगे हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड, जिसमें इनइक्वलिटी की और डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था हद तक थी। ये बैकवर्ड कम्युनिटी, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये कम्युनिटी जो है इनको ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता था। क्या इसका तो, मतलब जातिवाद से कोई रिलेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उधर ही आ रहा था अभी। तो ये जो कास्ट सिस्टम था, इसके वजह से इन लोगों को ऊपर आने का मौका नहीं मिलता था। तो इनको ऊपर आने के लिए, मतलब उस लेवल पे आने के लिए, इक्वालिटी इस्टैब्लिश करने के लिए, ये रिप्रेजेंटेशन का एक डिबेट चला था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। वो रिप्रेजेंटेशन को इस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब हर लोगों का, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एट एवरी लेवल इन द इंडियन गवर्नमेंट, वेदर यू टेक इन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन सेक्टर्स, जॉब सेक्टर्स, एनीवेयर, एवरीवेयर, देयर हैज टू बी अ इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच क्लासेस। इट दैट इज द बेसिक ऑफ इट। नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन इज देयर, ओके, नाउ हाउ टू एस्टैब्लिश दिस रिप्रेजेंटेशन। सो द मैकेनिज्म टू एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट अ रिजर्वेशन। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। अगर इक्वालिटी के प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना है तो रिजर्वेशन के प्रिंसिपल ऐड करना उसको निगेट करेगा। उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन करके आर्टिकल 15(4) डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये एस्टैब्लिश करता है कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल को बिना कुछ किए रिजर्वेशन देना पड़ेगा स्टेट्स के लिए। सो ये कहता है आर्टिकल 14, नथिंग इन आर्टिकल 15 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट्स from making any special provisions for the advancement of any social, educationally backward and class or class of the citizen of scheduled caste and scheduled tribe. Article 46 बोलता है, the state shall promote with social care and educational and economic interest of the weaker section of the society. The 14(6) जो है specially in education sector इनके लिए लागू होता है। और आर्टिकल 340 है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर ओबीसीज, और आर्टिकल 16(4) भी है जिसमें ये प्रोविजंस दी हुई है, रिप्रेजेंटेशन की प्रोविजंस दी हुई है। तो ये बेसिक वहां से आता है पूरा इसका। तो इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नॉमिनेटेड, उनकी लिस्ट बनी थी, शेड्यूल बने हुआ था, इसलिए उनके लिए खास तौर से इस क्लॉजेस में प्रोविजन किया गया है। लेकिन ओबीसीज के बारे में जहां तक जानकारी है कि उनकी कोई शेड्यूल उनके लिए कोई बनाया नहीं गया था, तो इसलिए सिर्फ प्रोविजन करके रखा गया। प्रोविजन, तो अरुण जी आपको क्या लगता है, क्या भारत और भारत के बाहर भी इसका इम्प्लीमेंट है? आरक्षण का जब भारत में ये शब्द भी जब लिया जाता है तो बड़ा हवा सा, मतलब खासकर से भारत की आजादी के बाद और आजादी के पहले, इन दो चीजों को अगर देखेंगे तो हमें आरक्षण जो है ये भारत में लगभग जातिगत आरक्षण, जो जिस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में आरक्षण की बात होती है, वो लगभग 100-125 साल से चल रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1902 से राजर्षि शाहू महाराज जो कोल्हापुर के संस्थान थे, उन्होंने उसमें यूज किया था। लेकिन भारत में होता यह है कि जब आरक्षण की बात आती है तो इसे इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ क्यों ना हो, इसे एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच से देखा जाता है। क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया कि एक रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए एक बनाया गया एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और इसी अफर्मेटिव एक्शन, ये शब्द जो है अफर्मेटिव एक्शन, ये यूएस के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में है। अच्छा, तो ये लगभग 150-125 साल पहले ही यूएस के डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसको अंतर्गत किया गया था। जब उन्होंने सबसे पहला, जब उनका संविधान बना था, तो स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। स्लेवरी को अबॉलिश करने के बाद में उन्होंने अफर्मेटिव एक्शंस के तहत हर एजुकेशन सिस्टम क्यों ना हो, चाहे जॉब सेक्टर क्यों ना हो, इन सेक्टर में उन्हें अफर्मेटिव एक्शंस के नाम से रिजर्वेशन दिया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स के डेमोक्रेसी में जब उन्होंने डेमोक्रेसी लागू की थी, तो उनके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 150 साल पुराना है, स्लेवरी को अबॉलिश किया, जिस तरीके से 1950 में
1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत ने स्लेवरी को अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, वैसे उन्होंने अबॉलिश किया और उसके बाद में एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन निग्रोस को दिया गया, मतलब ब्लैक्स को दिया गया। लेकिन हमने ये देखा कि उनका भी जो अफर्मेटिव एक्शन देने के बावजूद वो डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा, और हम बाद में देखते आए हैं कि उनके लीडर्स आए, हम लोगों ने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना, तो इस तरीके की बातें रही है। तो आरक्षण जो ये जो प्रश्न है ये भारत के लिए नया सा बन गया है, जबकि नहीं है। दूसरा, आरक्षण के भारत के इस मार्जिन में अगर देखा जाए तो ये कम से कम 125 साल पुराना है, जब से राजर्षि शाहू महाराज ने अपने संस्थान में, जैसा कि मैंने कहा कि 50% आरक्षण दिया था 1902 में 26 जुलाई, वो भी 26 जुलाई, मतलब पिछले महीने के, इसमें लगभग 116 साल हो जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर मैसूर डायनेस्टी है, मैसूर के जो राजा थे उन्होंने अपनी उसमें रिजर्वेशन दिया, वो भी 70% कि ब्रिटिशों के काल में कम्युनल अवार्ड दिया गया 1932 में। तो इसका मतलब जो यहाँ भारत के इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ के जो शासक वर्ग थे उन्होंने इस बात को समझा और इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई यहाँ पर जरूरी है इस तरीके की अफर्मेटिव एक्शन देने की। लेकिन बाद में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि अभी बताया गया 340 के थ्रू आरक्षण दिया गया, मतलब कमीशन बैठा जाए कि भाई किस तरीके से जो पिछड़े हैं अदर देन एससी और एसटी उनको ढूंढा जाए और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो एक तरीके से ऐसा एक लंबा काल आरक्षण का भारत में है, रिप्रेजेंटेशन का काल भारत में है। केवल पिछले 20-25 सालों से जब ये नजर आया कि ओबीसी के रिजर्वेशन को एक बड़ा रिजर्वेशन का, जिसे मोबिलाइज हो रहे हैं ओबीसी के नाम पर, इसके अगेंस्ट में एक तरीके का प्रचार चलाया गया और इस वजह से एक नकारात्मक भूमिका आरक्षण के बारे में भारत में पैदा की गई। ओबीसी आरक्षण जो 1992 में हम लोग देखते हैं उसका लागू होता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? बराबर, जैसे कि अभी बताया गया कि 340 के तहत ये कहा गया है कि भारत स्वतंत्र होने के 10 साल के अंतर्गत में ही एक कमीशन बैठाया जाए, जिस कमीशन में ये मालूम किया जाए कि जो जो विपरीत, जैसे कि एससी और एसटी के अलावा जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट और क्लास है उनको ढूंढा जाए, उनको लिस्टिंग किया जाए और उस लिस्टिंग के मार्फत उनको रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरीके का आर्टिकल 340 है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। तो हुआ ये कि 1955 में काका कालेरकर कमीशन बिठाया गया, ये पहला कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसको कहा जाता है, ये पहला कमीशन है। तो काका कालेरकर कमीशन ने उन्होंने अपने एक रिकमेंडेशन दिए और वो रिकमेंडेशन नेहरू गवर्नमेंट के सामने उन्होंने ढूंढी थी, ठीक है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके कई और कारण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1950 के बाद और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बैकवर्ड पॉलिटिक्स को लेकर किस तरीके से नकारात्मक भूमिका में रही है, इग्नोरेंस के भूमिका में रही है। तो इसका सबसे पहला कारण तो 1955 का काका कालेरकर कमीशन रहा है, 51 में हुआ और 55 में उन्होंने रिकमेंडेशन दी। मतलब बाबा साहब का जब उस समय का आंदोलन था और बाबा साहब जानते थे कि आजादी के तुरंत बाद अगर ये नहीं होता है तो उनके जाने के बाद में शायद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रयास भी काफी किए उस डायरेक्शन में और उनके मतलब प्रेशर की वजह से ही शायद काका कलेक्टर आयोग को बिठाना पड़ा। जी, उन्होंने जो रिजिग्नेशन दिया था वो उसका भी एक कारण ये बताया जाता है कि ओबीसी रिजर्वेशन को, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को या फिर बैकवर्ड कमीशन के को सीख तरीके से लागू नहीं होने की वजह से उन्होंने उदासीनता में उन्होंने वो रिजिग्नेशन दिया। तो ये रहा पहला कमीशन जो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा कमीशन, मतलब बाकी उसके काका कालेरकर के रिकमेंडेशन के 1955 के बाद में जब दूसरा कमीशन बैठा वो बैठा 1978 में, मतलब इमरजेंसी के लगभग बाद में, मोरारजी देसाई की पहली सरकार में वो पहला दूसरा कमीशन बैठा, योजना बनाएगी। तो बीपी मंडल है उन्होंने वो उसको उसके चेयरपर्सन रहे, जैसे कालेलकर पहले कमीशन के अध्यक्ष रहे वैसे बीपी मंडल दूसरे इसके अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने फिर 2 साल स्टडी किया, उनका एक कमीशन बैठा और उस कमीशन के अंतर्गत 1980 में रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आई। 1980 से लेकर 1990 तक लगभग 10 साल ये सिर्फ चर्चा में रहा, लेकिन उस रिकमेंडेशन को किसी ने लागू नहीं किया। तो लगभग 80 से लेकर 90 का जो दौर है ये हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से बैकवर्ड मोबिलाइजेशन जिसको कहते हैं उसका सबसे एक और बात, बारीक बात यह है कि 1955 से लेकर 1978 तक कांग्रेस की सरकार ने इस पर कुछ काम नहीं किया और जैसे ही एक कमजोर सरकार, जिसको कह जाती कि कमजोर वीपी सिंह की सरकार एक मिलीजुली सरकार थी, तो जैसे ही सरकार बनी वीपी सिंह ने सबसे पहले अपना जो गवर्नमेंट का जो ये उद्देश्य रखा वो रखा मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने का। तो 92 में इसको इम्प्लीमेंट किया, 90 से उसको एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर में
हल्का सा स्टे रखा, लेकिन एक साल के बाद में वो उस रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया 92 में सारे गवर्नमेंट्स में। पंकज आपको क्या लगता है कि मतलब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव के तहत आरक्षण की फिलोसॉफी या प्रिंसिपल लाया गया था वो तब की सोच और आज की सोच में क्या कुछ फर्क नजर आता है आपको? मूल जो है इसका जड़े जो है वो कास्ट सिस्टम में फंसी हुई है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अफर्मेटिव एक्शन देके रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर ये बात जब तक हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे मासेस में तब तक उनको समझ में नहीं आएगा वो चीज। जब नहीं समझ में आएगा तो गलत विचार बनते हैं। अगर आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या सम अदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देन यू नीड अफर्मेटिव एक्शन। ये जो मंडल कमीशन आयोग का रिपोर्ट आया 1992 में, क्या इसका कोई बेस बनाया गया था? जैसा कि मैंने कहा कि ओबीसी का जो कमीशन, जो सेकंड कमीशन कहते हैं मंडल कमीशन, इसका जो बेसिक आधार था वो उन्होंने कुछ कैटेगराइजेशन थे किस तरीके से मेजर करना है कास्ट को, कौन सी कास्ट सोशली और एजुकेशनली और इकोनॉमिक बैकवर्ड है, इसका उन्होंने क्राइटेरिया तैयार किया। उस मेजरमेंट टेक्निक में लगभग 11 ऐसे क्राइटेरिया उन्होंने क्रिएट किए जिस बेसिस पे कास्ट को गिना गया, मेजरमेंट किया गया। अब वो क्या थे? 4 थी सोशली इकोनॉमिक, 3 एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए। तो इन सबको कैटेगराइज किया गया 3 भागों में, सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिक। तो देखिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी इसमें रखा गया है, इसको भी समझना होगा। तो इन 3 क्राइटेरिया को रखा गया और इसको वेटेज फैक्टर दिया गया। मतलब हर एक पॉइंट को एक वेटेज फैक्टर दिया गया कि सोशली बैकवर्ड को ज्यादा वेटेज दिया गया, एजुकेशनली बैकवर्ड को सेकंड नंबर का वेटेज दिया गया, और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है उसमें लीस्ट नंबर का वेटेज दिया गया। और इसके हिसाब से लगभग 23 गुणों का ये स्कोर बनता है। तो इस स्कोर के हिसाब से जिन क्लासेस को मेजर किया गया, जो भी क्लासेस 50% के बाद मतलब 11 पॉइंट से ज्यादा जिसको मिल गए हैं, उन कास्ट को ओबीसी के लिस्ट में गिना गया और बाकी सभी को एडवांस्ड बोलकर छोड़ दिया गया। इसका बेसिस 1931 का कास्ट सेंसस बनाया गया है और उस सेंसस के बेसिस में इसको ये किया गया। मुझे लगता है कि ओबीसी रिजर्वेशंस का मुद्दा है ये, इसके बारे में अभी बहुत जितनी ज्यादा बड़े पैमाने पर जानकारी समाज में जाना चाहिए, उतनी जानकारी समाज के पास न होने की वजह से लोगों में कंफ्यूजन ज्यादा है। इस 11 पॉइंट क्राइटेरिया को अगर हम लोग समझते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये पूरा बेस है ये पूरे रिजर्वेशन सिस्टम का या आरक्षण सिस्टम का। सपोज एक गांव है, एक गांव के अंदर अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से कितने परसेंटेज ऑफ लोग एक कम्युनिटी सपोज है उस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पिछड़ी समझती है, दूसरी कास्ट इसको नीची समझती है, वो जीवन किस तरह से वो जी रहे हैं, 17 साल की उम्र के पहले ही उनकी शादियां हो जाती है। ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटीज है, ऐसी कौन सी कम्युनिटीज है जहाँ ज्यादा ज्यादा लेडीज एक पर्टिकुलर घर की काम करते हैं, बाहर के खेतों में जाके काम करते हैं या मोल मजदूरी करते हैं या जंगल में जाके लकड़ी लाती है, ऐसी कम्युनिटी जो है दे आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। अगर गांव में 100 बच्चे हैं तो 100 में से अगर 25 बच्चे उस कम्युनिटी के स्कूल जाते ही नहीं है तो वो बैकवर्ड है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया को सबसे नीचे क्यों रखा गया है? क्योंकि कहा ऐसा गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस वॉज द मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द कास्ट। तो इसका सारा का ये जो आता है ये वर्ण व्यवस्था की वजह से जिस तरीके से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, जो इनइक्वालिटी, जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है सोशल बैकवर्डनेस। जी, सोशल बैकवर्डनेस होने की वजह से फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड वो अपने आप हो गए, क्योंकि उनके पास में सोशल अपवर्ड मोबिलिटी का कोई साधन नहीं था, इस वजह से इकोनॉमिक बैकवर्ड भी हो गए। तो ये इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन जब करते हैं तो ये सारी बातें सामने आते हैं। आज के डेट में आज भी अफर्मेटिव एक्शंस यूएस के यूनिवर्सिटीज और जॉब सेक्टर्स में है, तो क्या आज के डेट में वहां के जो ब्लैक्स है, निग्रोस है, क्या वो गरीब है, क्या वो मतलब जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, क्या वो है? बिल्कुल नहीं। आज के डेट में निग्रोस के पास में कैपेबिलिटीज है, ब्लैक्स के पास में आज कैपेबिलिटीज है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन, बड़े बड़े एजुकेशन संस्थानों में भेज सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मेन मुद्दा है। काले और गोरे के बीच में का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो मेन मुद्दा है। आज के स्टेट में, भारत के इसमें भी वही लागू होता है, आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। और इस वजह से अफर्मेटिव एक्शन जिस तरीके से यूएसए में जरूरी है उस तरीके से भारत में भी जरूरी है। ये दूसरा कायदा। एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए ठीक तरीके से स्कूल ही नहीं है, तो क्या वो कम्पीट कर पाएगा जो सीबीएसई से आ रहा है? क्या वो कम्पीट कर पाएगा जो अर्बन जगह से सीख कर आ रहा है? क्या उन बच्चों से कम्पीट कर पाएगा? नहीं। मान भी लो कि किसी तरीके से कम्पीट होकर चला भी गया, तो क्या वो जिस कास्ट से आ रहा है क्या वो कास्ट खत्म हो जाएगी? ये भी नहीं हो सकता। तो ये किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है। और जिस तरीके से मंडल कमीशन ने एक
क्या कहते हैं कि एक मेजरमेंट सिस्टम लाया था, उस मेजरमेंट सिस्टम को, उस मापदंड को लेकर ही आज के डेट में आरक्षण देना सही तरीके से साबित हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो सर्वोपरि रह सकता है और उसको किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में ना ही पार्लियामेंट में। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पंकज आपको क्या लगता है, जैसे मतलब 1743 ऐसे कास्ट्स है जो अदर देन एससीएसटी है, ये ऐसी कास्ट है जो मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, करेक्ट है ना, और उनका परसेंटेज भी अगर देखा जाए तो लगभग 54% उन्होंने बोला, ये क्राइटेरिया के बेसिस पे तो 54% मास आता है तो उनको रिजर्वेशन जब देने की बात आती है तो रिजर्वेशन 54% उनको मिलना चाहिए था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया तो ओनली 27% वाज इम्प्लीमेंट। तो क्या ये सही मायने में सीलिंग का मायना इसमें बैठता है? 50% सीलिंग का मामला कहाँ से है? ये बेसिक क्वेश्चन है। कैसा? सी बेसिक आर्टिकल हम लोग अगर 15 आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) जो बेसिक है रिजर्वेशन के लिए, ये आर्टिकल्स में देखे तो देर इज नो न्यूमेरिकल लिमिट गिवन। इंदिरा साहनी का 1992 का जो केस था जो इस 50% सीलिंग के लिए बेसिक पकड़ा जाता है, उसमें उन्होंने अपेक्स कोड में क्या किया, अपेक्स कोड हेल्ड दैट रिजर्वेशन शुड नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीड 50%, जनरली इट शुड नॉट एक्सीड बट इन स्पेशल केसेस इट कैन। सो नाउ अब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट के एक साथ देखे, ना कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रिवेंट करता ना अपेक्स कोड का जजमेंट प्रिवेंट करता। 92 में जैसे ही मतलब ये 54% ओबीसीज के लिए ये लागू होने का मौका आया, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का जब ये आया तो इम्प्लीमेंट करने के पहले ही क्रिमिनल का क्राइटेरिया, मतलब वो ऐसा एक तरह से कहा जा सकता है कि इम्प्लीमेंट करने के पहले ही उसको जीरो कर दिया गया कि अभी जिसको रिजर्वेशन मिला ही नहीं है, 0% से शुरुआत हो रही है, उसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मतलब बैठता ही नहीं है, क्योंकि मंडल कमीशन का बेस भी ये हो जाता है ना, उन्होंने बेस बनाया कि भाई ऐसी कम्युनिटीज जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो कम्युनिटी है क्या वो उसके पास इतना इकोनॉमिक आ सकता है? उस क्राइटेरिया में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइटेरिया कंसिडर्ड, यस, तो अलग से उनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर डालना ये इनजस्टिस की मतलब एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के पहले ही उसका नॉन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे डाला जाए, कैसे इसको देखा जाए, इसके तरफ ज्यादा ये हुआ है। अरुण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या सही मायने में ये जो 3743 जातियां है उन तक ये जानकारी पहुंची है, या ये जो मतलब इसका फायदा जो है वो इन जातियों को हो रहा है, आपका क्या असेसमेंट है, क्या लगता है आपको? मंडल कमीशन लागू हुआ उसके तुरंत बाद से अलग अलग मुद्दों को उठाया गया, कमंडल का मुद्दा आ गया, फिर बाद में राम मंदिर का मुद्दा आ गया, फिर नए मुद्दों को फिर क्रिमिनल डाल दिया गया, मतलब एक तरीके से मुंबई बम ब्लास्ट हो गया, फिर हिंदू मुस्लिम के झगड़े शुरू हो गए, मतलब रायट्स लाना शुरू हो गया, मतलब ये सब क्रिएटेड है, डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, एक तरीके से इग्नोरेंट मास जिसको कहते हैं ओबीसी इज एन इग्नोरेंट मास, इस तरीके का जो डायलॉग जो बोला जाता है वो इस वजह से है कि इनको इग्नोर रखा जाए। पहले जो 5 साल मंडल कमीशन के लागू होने के हमने जो देखे, जितने भी एजिटेशन एंटी रिजर्वेशन रायट्स जिसको कहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के युवा शामिल रहे हैं, और हम लोग देखेंगे कि पूरी हिस्ट्री में पूरी तरीके से रिजर्वेशन कभी भरा ही नहीं गया, ना एससी एसटी का रिजर्वेशन भरा गया 22.5% ना 27% ओबीसी का रिजर्वेशन भरा गया, लेकिन इसमें एक इतना बड़ा जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आना बहुत जरूरी है, उनमें मतलब अभी भी ओबीसी वर्ग में क्या कहते हैं कि जो पेनिट्रेशन होना चाहिए इस बारे में थोड़ा कम अवेयरनेस है, मुझे लगता है कि ये और होना चाहिए, और जैसे जैसे इस रिजर्वेशन के मुद्दे बार बार उछल रहे हैं, इस ग्रुप्स को तोड़ने के इशू बार बार उछल रहे हैं, ओबीसी को बहुत अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि हमने रिसेंटली ये देखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रोहिणी कमेटी बिठाई है, उस कमेटी के अंतर्गत ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन लाया जा रहा है, एक तरीके से राउटिंग सिस्टम के मार्फत आपका तो रिजर्वेशन खत्म हो ही चुका है, दूसरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के नाम पर प्राइवेट सेक्टर की रोटियां जो है वो सेकी जा रही है गवर्नमेंट के मार्फत, वहां पे भी रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे भी जॉब्स नहीं है, तो अब जॉब्स जो बचे हैं इक्का दुक्का वहां पे भी रिजर्वेशन खत्म करने की जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसका सब कैटेगराइजेशन जिस मामले से चल रहा है उसको भी समझना जरूरी है और इस पर बात करना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है ओबीसी का, कि वो इसको जानना नहीं चाहते हैं या फिर उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब वो कैसे लेते हैं, क्योंकि आरक्षण इस नाम से ही उनके दिलो दिमाग में एक नफरत पैदा की गई है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिनके ये फायदे की बात है वही लोग इसको अपोज में आ रहे हैं? भारत में जो है वो मीडिया जो है एक कंट्रोल्ड मीडिया है, हम लोग माने या ना माने लेकिन ये कंट्रोल्ड मीडिया है, अभी ये
हर चीज को प्रोपोगेट करता है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन को इस तरह से प्रोपोगेट कर दिया है कि एक निगेटिव माइंडसेट ओबीसी के अंदर चला गया। उनका ग्राउंड लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही सब चीज बताया जाता है कि नो यू डोंट टेक रिजर्वेशन बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर यू, या फिर दूसरे एंगल से ऐसा सिखाया जाता है कि रिजर्वेशन से मैरिट कम होता है, या तीसरे एंगल से ऐसे किया जाता है, फिर अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके वो उनके माइंड में ऐसा डाला जाता है। लेकिन अगर एक्चुअली अगर देखा जाए उनको समझना बहुत जरूरी है, ये चीज क्यों नहीं हो पा रही, ओबीसी के अंदर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये चीज को समझना जरूरी है। एनालिसिस उनको करना है, हमको खाली उनको एक फैसिलिटी मतलब उन तक पहुंचने के लिए जानकारी पहुंचने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोपोगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन विच यू नीड इट, ये प्रोपोगेट करना उनके लिए। अभी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है कि मतलब जितनी अवेकनिंग मंडल कमीशन आयोग के बारे में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो अभी मतलब ये जो जागरूक हमारा क्लास है उन क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके जो भी रिकमेंडेशन है या इसको जो इसके बेसिक्स थे उस बेसिक्स को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो कुछ घटा भी हो सकता है, लेकिन जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आएगी। तो अभी 2021 का जो सेंसस है वो किस तरह से कास्ट बेसिस पे हो, इसके लिए मुझे लगता है कि अवेकनिंग करने का मतलब जरूरी है और मीडिया में उसको उठाने की बात जरूरत है। तो ये आज का जो ये मुद्दा था, ये आज का मुद्दा हमने काफी मतलब बेसिक्स को लेके लिया है और आरक्षण और उससे इर्द-गिर्द इसमें डिस्कस किया गया है। आगे भी हम लोग इस इश्यू को लेकर आएंगे क्योंकि मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन के ऊपर स्पेसिफिकली हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो अरंतर पंकज आप दोनों का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे आशा करते हैं कि इस इश्यू इस विषय के ऊपर और गंभीरता से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।